साउथ इंडस्ट्री की 5 ऐसी बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे कि अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सच में बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। एटलीस्ट एक बार इन 5 मूवीज को जरूर से जाके देखना, मजा ना आए देखने में तो फिर मुझे बोलना। तो अभी मैं आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने फर्स्ट नंबर मूवी की ओर, तो वो है रन बेबी रन। इस मूवी को 2023 में रिलीज करा गया था, जिसे की IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली है। अगर बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस मूवी में एक बंदा होता है जो कि अपने घर में अकेला रह रहा होता है। तभी एक दिन उसके पास एक लड़की आती है, एक हेल्प मांगती है, और वो हेल्प ये होता है, वो कहती है कि एक रात के लिए अपने घर में उसे रहने के लिए जगह दे, बाकी कल सुबह वो चली जाएगी। तो चलो कैसे भी करके वो बंदा इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे हेल्प कर देता है रहने के लिए। बट जब वो सुबह उठता है तब वो पाता है कि उसके घर में उस लड़की का लाश पड़ा हुआ है। अब इस वजह से वो लड़का काफी ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उसके घर में एक लाश मिली है, तो जो फंसेगा वो वही बंदा होगा। तो आगे क्या होगा ये तो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, ये आप लोग मूवी में देखना। ये मूवी आप लोग को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा, सच में वन ऑफ द बेस्ट मूवी से हम लोग कह सकते हैं मिस्ट्री की। तो एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना, मजा आना है देखने में तो फिर मुझे बोलना। बढ़ते हम लोग अपने सेकंड नंबर मूवी की ओर, तो वो है सीताराम बिनोय केस नंबर 18। इस मूवी को 2021 में रिलीज करा गया था, जिसे की IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली है। अगर बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस मूवी में एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया गया है, जिसका की नया नया ट्रांसफर होता है गाँव में, और उस गाँव में ऐसे ऐसे खतरनाक क्राइम्स हो रहे होते हैं, जिस वजह से वो पुलिस इंस्पेक्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उन क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहता है। अब देखो भाई, मूवी की स्टोरी में इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा बता दिया तो देखने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि एक बार इस मूवी को जरूर से जाके देखना। मूवी की स्टोरी सुनने में आप लोग काफी ज्यादा नॉर्मल लगा होगा, बट बिलीव मी मूवी काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। ये मूवी आप लोग को अमेजन प्राइम पे देखने को मिल जाएगा, तो एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना। बढ़ते हम लोग अपने थर्ड नंबर मूवी की ओर, तो वो है V1। इस मूवी को 2017 में रिलीज करा गया था, जिसे की IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली है। अगर बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस मूवी में एक फॉरेंसिक ऑफिसर को दिखाया गया है, जो कि एक मिस्ट्री मर्डर का केस सोल्व करने में लगा हुआ रहता है। बट भाई वो एक ऑफिसर तो है, इसी के साथ उसे नेक्टोफोबिया नाम का एक बीमारी है, मतलब उसे अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है। अब ये डर इतना ज्यादा है कि वो अंधेरे से मर भी सकता है। अब भाई मूवी में ट्विस्ट तो तब आती है जब उसे काफी अतरंगी केस को सोल्व करना होता है, और वो जो केस है उसे रात में भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, और आपको तो पता ही है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। तो भाई मूवी में क्या होगा आगे ये तो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, मूवी सच में वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहने वाली है मिस्ट्री थ्रिलर की। ये मूवी आप लोग को अमेजन प्राइम पे देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो एक बार जरूर से चेकआउट करना। बात करते हैं हम लोग अपने फोर्थ नंबर मूवी के बारे में, तो वो है 1001 नो नकल। इस मूवी को 2022 में रिलीज करा गया था, जिसे की IMDb की तरफ से 7 की रेटिंग मिली है। इस मूवी के स्टोरी लाइन बेस्ड है कॉलेज ग्रुप के ऊपर, जहाँ की काफी सारे फ्रेंड्स आपस में मिलने का प्लान बना रहे होते हैं काफी दिनों से, बट एक दिन वो आ ही जाता है जब वे लोग मिलते हैं आपस में। अब देखो सब कुछ सही चल रहा होता है, सबके बीच बातें हो रही होती है, खाना पीना हो रहा होता है, बट मूवी में ट्विस्ट तो तब आती है जब वे लोग डिसाइड करते हैं ट्रूथ एंड डेयर गेम को खेलने का। अब भाई इस गेम को जैसे ही वे लोग खेलना स्टार्ट करते हैं, आगे आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। आप लोग मूवी में देखना, बहुत ही बढ़िया मूवी रहने वाली है। ये मूवी आप लोग को सोनी लीव पे देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो इस मूवी को जरूर से जाके चेकआउट करना, मजा ना आए देखने में तो फिर मुझे बोलना। बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग अपने लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मतलब फिफ्थ नंबर मूवी की ओर, तो वो है चक्रव्यूहम द ट्रैप। इस मूवी को 2023 में रिलीज करा गया था, जिसे की IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है। अगर बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस मूवी में एक सीरी नाम की लेडी होती है, जो की एक काफी बड़ी बिजनेस वुमन होती है और जिसका की काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल होता है। बट एक दिन अचानक से उसका गला काट कर उसका मर्डर कर दिया जाता है, और अब इस केस को सोल्व करने वाले हैं CI सत्यनारायण। अब भाई देखो इस मूवी की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंगेजिंग रहने वाली है, मतलब अगर आप लोग स्टार्ट करते हो देखना तो एंड तक ये मूवी आप लोग को रोक के रखेगी। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आप लोग को अमेजन प्राइम पे देखने को मिल जाएगा, तो एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।